दोस्तों, अगर आप भी अकाउंटिंग और टैक्सेशन फील्ड में एक एक्सपर्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो जितनी प्रायोरिटी आप अकाउंटिंग को सीखते वक्त टैली सॉफ्टवेयर को, बीजी सॉफ्टवेयर को या जो भी आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीख रहे हो उसको देते हो, तो उसके बराबर आपको उतनी प्रायोरिटी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को भी देनी बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जितना काम हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हो सकता है उतना काम हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में नहीं हो सकता, और जितना काम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हो सकता है उतना काम हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हो सकता है, अगर आपको उसके बेसिक्स नॉलेज और उसका बेसिक फॉर्मूले अगर आपको पता हो तो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर परसेंटेज का फॉर्मूला किस तरीके से यूज़ करते हैं, और आज की इस वीडियो में हम जो परसेंटेज का फॉर्मूला आपको बताने वाले हैं वो वही फॉर्मूले बताएंगे जो एक अकाउंटेंट लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जो रहती है। क्योंकि जब भी अगर आपने टैली सॉफ्टवेयर यूज़ अगर आपने किया हो तो आपने टैली सॉफ्टवेयर में एक ये वर्ड आपने ज़रूर देखा होगा, ये ऑप्शन को, रेशियो एनालिसिस को। और हम जब इस रेशियो एनालिसिस पर हम एंटर प्रेस करते हैं तो ये टैली सॉफ्टवेयर कुछ हमें इस तरीके का रिकॉर्ड हमें दिखाता है परसेंटेज के साथ। तो ये जो परसेंटेज का जो रिकॉर्ड टैली सॉफ्टवेयर हमें दिखाता है, ये टैली सॉफ्टवेयर किस प्रकार से परसेंटेज की कैलकुलेशन करके हमें रिपोर्ट देते हैं। तो दोस्तों, आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बेसिक नॉलेज और फॉर्मूला आपको किस तरीके से लगाना चाहिए ये आपको आना बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप आज के टाइम में इस कंपटीशन के टाइम के अंदर आप कोई जॉब की तलाश में हो तो। क्योंकि जब भी आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाओगे एज ए अकाउंटेंट की पोस्ट पे, तो अगर आपको सॉफ्टवेयर का नॉलेज है, आपको अकाउंट्स का नॉलेज है लेकिन एक्सेल का नॉलेज नहीं है, तो आपके लिए समस्याएं खड़ी हो सकती है। और आज के इस वीडियो में हम थोड़े कुछ बेसिक्स परसेंटेज के फॉर्मूला हम सीखेंगे, और वो भी आपको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के साथ, भी हमें परसेंटेज का फॉर्मूला किस कंडीशन में किस प्रकार से लगाया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं भी, अगर आपसे कुछ बेसिक वैल्यू अगर आपको दी जाए और उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज अमाउंट आपको बोल दिया जाए, तो आप उस कंडीशन में परसेंटेज का फॉर्मूला किस तरीके से लगाओगे। या अगर आपको कोई टैक्स की अमाउंट बता दी जाए और उस अमाउंट को आपसे ये बात बोली जाए भी इस अमाउंट के अंदर इतने परसेंट का टैक्स की अमाउंट ये है और इसकी आपकी बेसिक वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, या फिर आपको आइटम वाइज डिस्काउंट का कोई पैरामीटर बताने के लिए बोल दिया जाए भी आपको आइटम वाइज जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट करनी है। क्योंकि कई आइटम पे कोई फिक्स नहीं है, किसी आइटम पे 5% का डिस्काउंट देना है, किसी आइटम पे 3% का देना है, किसी पे 10% का देना है, तो आपको किस प्रकार से कैलकुलेशन करनी है परसेंटेज की। तो इस तरीके से हम ग्रोस प्रॉफिट का रेशियो का परसेंटेज वाइज हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रॉफिट का रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट होता है, स्टॉक रेशियो किस प्रकार से कैलकुलेट होता है, सारी बातें आज के साथ इस वीडियो में प्रैक्टिकली बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा देखिए तभी आप सारी बातें अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने से YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और एक्सेल से रिलेटेड वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेगी। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट हम कवर करते हैं भी परसेंटेज ऑफ बेसिक वैल्यू। तो ऑलरेडी जो मेरे पास यहाँ पर कैलकुलेट है इसको मैं एक बार यहाँ से हटा देता हूँ, लाइव आपके सामने मैं फॉर्मूला लगा के बताने वाला हूँ। अब परसेंटेज ऑफ बेसिक वैल्यू, बेसिक वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि अब मान लीजिए आपको कोई एक अमाउंट यहाँ पर दे दी जाए, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको 5,000 रुपये की एक अमाउंट बता दी भी, आपको इस 5,000 रुपये अमाउंट का 8% कितना बनता है तो वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो 8% का मतलब यहाँ पर अब आपको क्या करना पड़ेगा, 8% यहाँ पर आपने लिख लिया, अब इसका आपको 8% की 5,000 रुपये का 8% की कितनी वैल्यू बनती है वो कैलकुलेट करके देनी है। तो इसका सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला हम क्या यूज़ करेंगे भी, इस 5,000 रुपये की अमाउंट को हम 8% से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सीधा सा फॉर्मूला इक्वल का निशान, और उसके बाद में आपको करना क्या होगा, इस 5,000 रुपये के अमाउंट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इसकी सेल का जो भी एड्रेस होएगा D3 का वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, और इसके बाद हम इनटू का निशान, मल्टीप्लाई का निशान और 8% पर हम क्लिक कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो ये 400 रुपये की अमाउंट आपके सामने आएगी। अब मान लीजिए यहाँ आपके पास 8% लिखा हुआ है, अब मैंने यहाँ पर सीधा 8% की बजाय मैंने यहाँ पर इसको 8 लिख दिया, तो आप देख रहे हो जैसे मैंने 8 लिखा और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी 40,000 रुपये, क्योंकि 5,000 को ये 8 से मल्टीप्लाई करके कर रहे हैं तो ये 40,000 रुपये ही आएगा, लेकिन हमें 400 रुपये ही चाहिए। तो अब अगर आपको यहाँ पे 8% नहीं लिखा हुआ है तो उस कंडीशन में आपको फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, इक्वल का निशान आपको दबाना है,
5000 पे क्लिक करना है, मल्टीप्लाई का निशान चूज करना है, 8 को आपको सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, बी डिवाइड बाई 100, तो ये 400 रुपये आ जाएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पर इस फॉर्मूले में, जैसा कि मैंने यहाँ पे लगाया है, ये 100 अगर आप लास्ट में यूज करते हो तो आपको यहाँ पर परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप 8 को परसेंटेज के साथ लिखते हो तो उस दौरान आपको इस फॉर्मूले के अंदर लास्ट में 100 लगाने की जरूरत नहीं है, दोनों में एक जगह ही 100 चूज होगा, क्योंकि परसेंटेज का मतलब भी 100 ही होता है। तो इसके बाद हम 8 अगर परसेंटेज यहाँ पर करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। अब इसके 400 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 100 को हटा देंगे। तो इस तरीके से ये 5000 रुपये का 8% आ जाएगा। अगर यहाँ पर अगर हम कोई अमाउंट को चेंज करते हैं, 4% हम करते हैं तो ये 200 आ जाएगा। इसी तरीके हम 4.8% हम करते हैं तो ये 240 आ जाएगा। अब जैसे कि मैंने, आप देख रहे हो, मैंने 4.8% किया और लेकिन यहाँ पे 4.8 आपको दिख नहीं रहा, 5 आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जो डेसिमल है वो इनक्रीज करके यहाँ पर दिखा देंगे, क्योंकि अभी तक आपका जो डेसिमल था वो बिल्कुल डिक्रीज में था, 0 था, तो हम इस कंडीशन में 2 कर देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन वो है, बेसिक वैल्यू ऑफ टैक्स अमाउंट। बेसिक वैल्यू का मतलब, अब मान लीजिए अब आपके सामने कोई 1000 रुपये की कोई टैक्स की अमाउंट है, यानी कि ये अमाउंट बेसिक अमाउंट नहीं है, ये टैक्स की अमाउंट है, और ये जो टैक्स अमाउंट है किसी भी सामान का, मान लीजिए ये 5% है, तो ये 5% है, तो इसका आपको ये कैलकुलेट करवा के देना है, ये 1000 रुपये कितनी अमाउंट का 1000 रुपये बनता है। तो सीधा सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, इक्वल का निशान हम दबाएंगे, जो अमाउंट है हमारी उसको हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम करेंगे इनटू 1 डिवाइड बाई परसेंटेज। तो अभी आप देख सकते हो ये 20000 रुपये का एक, मतलब 5% है जो 1000 रुपये बनता है। तो आपको टैक्स की अमाउंट बताई गई थी, बेसिक वैल्यू आपको कैलकुलेट यहाँ पर करनी थी। तो अब बेसिक अमाउंट की कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज़ किया, आप देख रहे हो हमने F4, यानी कि F4 का मतलब हो गया जो बेसिक अमाउंट थी 1000 रुपये की वो आ गई, इसको मल्टीप्लाई हमने किया 1 से। अब 1 से हमने क्यों किया, हम चाहते तो 100 से भी कर सकते थे, अगर हमें 100 से करेंगे तो जो ये 5 के आगे परसेंटेज का सिंबल है ये हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर 5% करते हो तो आपको 1 करने की ज़रूरत है, अगर आप यहाँ ओनली 5 रखे होगे तो उस कंडीशन के अंदर आपको 1 की जगह 100 करना पड़ेगा। तो दोनों का सेम ही काम है। और उसी तरीके से अगर आपको आइटम वाइज डिस्काउंट इन परसेंटेज के लिए बोल दिया जाए, आइटम वाइज डिस्काउंट का मतलब जैसा कि हमारे इस सीट पे है, जैसे आपके पास ये कुछ 3 आइटम है, ABC कुछ भी हो सकते हैं, और उसका आपका अलग अलग रेट है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास ए की क्वान्टिटी है 10 पीस, ए का रेट है 120 का, और हमें इस अमाउंट के ऊपर 3% का डिस्काउंट देना है। तो 3% अगर हम डिस्काउंट देंगे तो डिस्काउंट की अमाउंट कितनी आ जाएगी, 3 रुपये और 60 पैसे की। तो टोटल बेसिक अमाउंट कितनी बन जाएगी इसकी, 116 रुपये और 40 पैसे। ये क्या किया है, यानी कि इस 120 रुपये की जो नेट रेट है, इस नेट रेट में से ये जो डिस्काउंट का अमाउंट हमारे पास आया है इसको यहाँ पर ये माइनस कर रहा है। तो ये फॉर्मूला किस तरीके से यूज होता है, जैसे हम बी के पार्ट में चलते हैं, थोड़ा सा हम स्क्रीन को और ज़्यादा जूम कर लेते हैं। अब मान लीजिए, अब जैसे कि मेरे पास कोई क्वांटिटी है 5 पीस, एक का रेट है 500 रुपये का, और मेरे को यहाँ पर अब 4% का या 4.5 का, 10 का, जितना भी आपको बोला जाए उसका मेरे को यहाँ पर परसेंट डिस्काउंट है की उसके परसेंटेज के अमाउंट हमें माइनस करनी है। तो हम क्या करेंगे, 4.5%। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सेम वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, इक्वल का निशान दबाएंगे, भी 500 × 4.5%, तो ये 22 रुपये और 50 पैसे की इसकी वैल्यू आ गई। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो 500 रुपये उसमें से 22 रुपये 50 पैसे हमें कम करनी है, तो इक्वल का निशान, अब 500 माइनस का निशान और डिस्काउंट के अमाउंट पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से इसकी जो बेसिक वैल्यू बन जाएगी 477 रुपये और 50 पैसे की। अब हमें परसेंटेज का लिखने का फायदा, अब यहाँ पर हम कोई भी अमाउंट चेंज करते हैं, मान लीजिए 8% हमने कर दिया तो ये इसकी अमाउंट चेंज हो जाएगी, और इसके साथ साथ आपकी बेसिक अमाउंट भी ऑटोमेटिक है जो चेंज हो जाएगी। तो इसी तरीके से अगर आपको कोई परसेंटेज वाइज कोई फॉर्मूला आपको दे दिया जाए, आपके पास आइटम 100, 150, 500 आइटम हो सकती है, तो आपको 1 टाइम यहाँ पर ये परसेंटेज है जो लगाना है, और उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पर इसको ड्रैग कर सकते हो नीचे तक। भी आपने एक बार फॉर्मूला यूज़ कर लिया और उसके बाद जैसे भी आप अमाउंट डाल दोगे, क्वांटिटी 10, रेट का 100 और परसेंटेज आपको भी अलग अलग दी हुई है, तो आपको अलग अलग यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। जैसे आप 4% करोगे तो 400 आ जाएगा, इसका 100% का 4% हमें करना है तो 4%,
तो 4 रुपये का, और ये फॉर्मूला भी हम कर लेंगे क्योंकि इसके अमाउंट में से ये ऑटोमेटिक है जो लेस होके आ जाना चाहिए। तो इस तरीके से अब आपको केवल 4 ही चीज़ें लिखनी है, 3 चीज़ें लिखनी है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास डी आइटम आ गई, 100 क्वांटिटी है और इसका रेट हमने लिख दिया 800 रुपये का, और डिस्काउंट हमें जो देना है वो 9.4% इस पर डिस्काउंट करना है। तो जैसे हम 9.4 करेंगे 75 रुपये 20 पैसे, और 75 रुपये 20 पैसे इस 800 में से ये माइनस होकर 724 रुपये और 80 पैसे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना परसेंटेज का फॉर्मूला यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो। ये भी एज ए अकाउंटेंट के कहीं ना कहीं ज़रूरत रहती है। और उसके बाद बात आती है ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो। तो दोस्तों, ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो, जैसा कि हमारे पास एक ट्रेडिंग अकाउंट बना हुआ है, और इस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमारे पास ये जो टेली सॉफ्टवेयर की जो परचेज सेल है, स्टॉक है, ये हमने स्टॉक लिया हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हो मेरे पास भी 151,771.76 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट है, और यहाँ पर भी मेरे पास 151,771.76 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट है। तो अब आप जब हम रेशियो एनालिसिस पे जाके देखते हैं इसको ना, तो हमारे को यहाँ पर ये चीज़ दिखा रहा है, ये देख रहे हो आप भी ग्रॉस प्रॉफिट, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज हमें दिखा रहे हैं 69.90%। तो ये 6.90% आई कहाँ से है? तो इसका सीधा सा फॉर्मूला टेली सॉफ्टवेयर ने जो यूज़ किया वो ये किया हुआ है, इक्वल का निशान दबाया भी, जितना आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट को सेल को सेल से डिवाइड करना है। तो आपने ग्रॉस प्रॉफिट पर क्लिक किया, डिवाइड का यानी कि भाग का निशान किया, और आपने सेल की अमाउंट के ऊपर क्लिक कर दिया। तो जैसे हम करेंगे इसको, आपको परसेंटेज करना है, तो चाहे आप परसेंटेज लगा दो या मल्टीप्लाई 100 कर दो, एक ही चीज़ है। तो आप देख सकते हो 69.90 का ये परसेंटेज का साथ रेशियो आ गया। अगर आप चाहते हो भी 6.90 का यहाँ पर परसेंटेज के साथ अमाउंट आपको दिखे, तो आपको यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, एक्सेल से सीधा आप यहाँ से परसेंटेज है जो कैलकुलेट कर सकते हो। और अभी आपको 70 दिखा रहा है, तो इसके अमाउंट है जो 2 के साथ डेसिमल है वो आप इंक्रीज़ कर दो, यहाँ से 2 के साथ 3 करोगे तो आगे से आगे ये बढ़ते जाएगा, लेकिन हमें 2 ही चाहिए तो हम 2 ही रखेंगे। तो ये 6.90 का परसेंटेज, और वही हमारा इस टेली सॉफ्टवेयर ने ग्रॉस प्रॉफिट का निकाला हुआ है। और इसी तरीके से ये नेट प्रॉफिट, अब हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आ रहा है एक्सेल की सीट के अंदर, वो आ रहा है 136,771.76। और हमारा सॉफ्टवेयर में हम जाके देखते हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास वही आ रहा है 124,771। हम इसके अंदर कुछ अमाउंट हमारी ऐड है, तो इस अमाउंट को भी हम यहाँ से ऐड कर देते हैं। एक्सपेंसेस में डिटेल के अंदर जाके देख लेते हैं, जैसे कि ये हमारे पास एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन है, तो ये हमारी अमाउंट को हम यहाँ से हटा देते हैं, या इस अमाउंट के अंदर भी हम 12,000 रुपये की अमाउंट को डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं, ताकि हमारा प्रॉफिट है वो सेम हो जाए। तो 124,771 और सॉफ्टवेयर के अंदर भी 124,771। तो अब प्रॉफिट का अगर आप रेशियो देखोगे, तो यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर ने इसका जो नेट प्रॉफिट का जो रेशियो आपको शो किया है वो 57.46 का किया हुआ है। तो अब ये रेशियो इसने किस तरीके से कैलकुलेट किया हुआ है, यहाँ पर भी हम इक्वल का निशान दबाएंगे, और जो हमारा नेट प्रॉफिट है इसको हम डिवाइड करेंगे सेल से। तो नेट प्रॉफिट हमारे पास यहाँ है, और सेल हमारा ट्रेडिंग अकाउंट की इस सीट पे है, एंटर प्रेस करेंगे, और इसको भी हम यहाँ से देखना चाहें भी इसके साथ भी लास्ट में परसेंटेज दिखे, तो ये हमारा परसेंटेज भी यहाँ पर आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, और हमारी जो इंक्रीज डिक्रीज़ कर देते हैं इसको, तो ये देखो आप 57.46, और सॉफ्टवेयर में दिखा रहे 57.46। तो इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर है जो कैलकुलेट करता है परसेंटेज की। तो यानी कि सीधी सी बात है, परसेंटेज आपको कैलकुलेट के जो बेसिक फॉर्मूले आज की इस वीडियो में हम आपको बताए हैं, तो वो आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए भी। आपको परसेंटेज फॉर्मूला एक बेसिक फॉर्मूला है, ये आपको कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, तो आपको ये परसेंटेज आना चाहिए। कोई रकम, जैसे सिंपल तरीका, 200 रुपये है, इसका हमें 8% निकालना है, तो आप 8% यहाँ लिख दोगे, और 200 × 8%, तो ये 16 रुपये आपको यहाँ पता चल जाएगा। तो यानी कि एक बेसिक सा फॉर्मूला है, और अकाउंटेंट की इसकी हर जगह ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से ज़रूर आपको कुछ सीखने को मिला है। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ वो भी कर लें।